सर पे काले घने सुंदर बाल, यह आपके पूरे चेहरे और शरीर की खूबसूरती को दिशा देता है। अगर आपके बालों की क्वालिटी अच्छी है, हेयर्स की क्वालिटी अच्छी है, तो आप खूबसूरत दिखते हैं। और अगर आपके बालों की क्वालिटी हेयर्स की अच्छी नहीं है, तो आप खूबसूरत होते हुए भी उतने अट्रैक्टिव नहीं दिखते। मेरी इन दोनों बातों का मतलब ये नहीं है कि किसी तरह से जो बाल हैं सर पे, यह आपकी किसी और प्रतिभा में कमी लाते हैं। लेकिन अब एक इस संसार की मजबूरी है कि जो दिखता है वो बिकता है, तो हमको अपने बालों को बचाए रखना है। और उसी लिए हम आज ये बड़ा खूबसूरत सा, आसान सा, छोटा सा लेकिन प्रभावी नुस्खा लाए हैं आपके बालों को झड़ने से रोकने के लिए। नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथिक क्लिनिक के इस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे बाल झड़ने के विषय में। बाल झड़ना एक बहुत बड़ी समस्या होती है। इसके बारे में बहुत हमें इसके एम्फसिस बताने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग संघर्ष करते हैं, और मैं अपने बारे में तो कह सकता हूँ कि हम लोग संघर्ष करते हैं और अपने पे ध्यान नहीं दे पाते जब हमारा वक्त संघर्ष वाला होता है। तो मैं एक जीवन में जो 5 रुपए से सफ़र शुरू करा हूँ दवा देने की हफ्ते की, वो आज तक पहुँचते पहुँचते हमारे बाल भी कम हो गए। लेकिन जो हमारे युवा साथी हैं, चिंतित रहते हैं, उनकी चिंता को दूर करने के लिए और बाल झड़ने से रोकने के बहुत अचूक नुस्खा हम आपके साथ लेकर आए हैं। देखिए, वक्त के साथ बाल झड़ें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। हमारे बाल झड़ रहे हैं, हो सकता है हम आपको स्किन से थोड़े से कम उम्र यंग लग रहे हों, लेकिन अब हम लोग की एक उम्र तो हुई है और पूरी उम्र साथियों संघर्ष करते करते बीती है, लड़ाई लड़ते लड़ते बीती है, छोटी छोटी बातों पे संघर्ष करना पड़ा है। लेकिन हमारे जो युवा साथी हैं, उन्हें मैं दुआ करता हूँ भगवान संघर्ष में लाए, लेकिन संघर्ष से जल्दी बाहर निकलने का रास्ता भी सुझाए। तो अगर आपके जीवन में बहुत संघर्ष है, बहुत तनाव है और आपके बाल झड़ रहे हैं, तो यह एक बहुत छोटा सा नुस्खा है लेकिन बहुत बेहतरीन नुस्खा है। वो सामान जो आपके घर में उपलब्ध है, वो सामान जो आसान है, वो सामान जो आपको फायदा देने में 100% समर्थ है। और साथियों, इस नुस्खे के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान नुस्खा है साथियों। आपको एक 5-7 आमले ले लेने। आमले हम सब जानते हैं बालों के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन हम आपको उसका एक स्वरूप बता रहे हैं कि वो स्वरूप बहुत मदद करेगा। आप 5-6 आमले ले लीजिए, उनको अच्छे से क्रश कर लीजिए, मिक्सी में नहीं साथियों, उसको आपको क्रश करना है हाथ से, सिलबट्टे इमाम दस्ते में आपको क्रश करना है, और उसके जूस आपको निकाल लेना है। उसको चलनी में आप छान लीजिए, प्रेस करिए तो जूस उसमें से आएगा। वह जूस आप ले लीजिए, आधा कप, लगभग 1 कप हो जाए। अगर आपके बाल बहुत लंबे हैं तो 1 कप, अगर कम है तो आधा कप, तो उसको आप ले लीजिए। और उसमें आप 1 नींबू डाल लीजिए, नींबू निचोड़ लीजिए, यानी नींबू का रस उसमें ऐड कर दीजिए, फ्रेश लेमन जूस। इन दोनों चीज़ों को आप मिक्स कर लीजिए और इसको आप अपने बालों पे लगा के आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए, 1/2 आवर इसको लीव कर दीजिए इसी स्थिति में, कि हाँ जो मिक्सचर है आमले का, यानी इंडियन ग्रूसबेरी का और लेमन का, फ्रेश लेमन जूस का, यह आपके बालों में आधा घंटा लगा रहे, उसके बाद आप बालों को धो लीजिए, नॉर्मल वाटर से धो लीजिए। और बहुत अच्छा होगा हरी धनिया के पत्ती के पानी से धो लीजिए। हरी धनिया यानी ग्रीन कोरिएंडर, रात में आप थोड़ी सी ग्रीन कोरिएंडर भी एक भगोने में बॉईल करके रख लीजिए, सुबह वो ठंडा हो जाएगा तो जो वाटर होगा उससे आप बालों को धो लीजिए। आप देखेंगे साथियों, आपका हेयर फॉल 1 महीना इसको अप्लाई करने से रुक जाएगा।
रुकने का मतलब यह है कि औसतन हम सब के 80 बाल 80 हेयर फॉलिकल्स हेयर्स रोज झड़ते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होंगे, उससे कम ही रहेंगे। तो ज़्यादा है तो आप ये नुस्खा करिए, कम है तो भी करिए ताकि और कम बाल झड़ें। और साथियों हम आपको यह भी बताते हैं यह क्यों काम करेगा, क्योंकि विश्वास व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होती है। व्यवस्था एक कार्य की तभी बन सकती है जब आप में विश्वास हो। तो मैं आपको बताता हूँ यह नुस्खा क्यों काम करेगा। साथियों यह नुस्खा इसलिए काम करेगा क्योंकि इसका जो पहला इंग्रेडिएंट है आंवला, इंडियन रूसबेरी। आंवला ये तो हम सब जानते हैं कि विटामिन सी का रिचेस्ट सोर्स है, लेकिन आंवला साथियों विटामिन ई का भी वन ऑफ द बेस्ट सोर्स है। और विटामिन ई ही वो कंपोनेंट है जो आपकी हेयर ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, टिश्यू फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसी विटामिन ई के कारण आंवले की जय है, आंवला की महत्ता है। और साथ में हमने आपको लेमन बताया है, लेमन में पॉलीफिनॉल्स और अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड AHA होता है। यह दोनों इंग्रेडिएंट साथ में विटामिन सी होता है। यह तीनों इंग्रेडिएंट आपके बालों को नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे जिससे आपके बाल ना झड़ें। आप इस नुस्खे को करिएगा साथियों और हमें व्हाट्सएप पे बताइएगा आपको नुस्खा अप्लाई करके अच्छा लगा कि नहीं। मन में कोई क्वेरी हो साथियों तो व्हाट्सएप करिएगा हमारे फ़ोन नंबर पे, प्रयास करेंगे आपकी बात का उचित जवाब दे सकें। निवेदन करेंगे साथियों कि यदि आपको हमारी बात अच्छी लगी हो तो इसमें समाज के अन्य लोगों तक पहुंचाइएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, अपने चैनल को आपने सब्सक्राइब करा होगा अन्य साथियों से सब्सक्राइब कराइएगा और बेल आइकन क्लिक करके सबसे पहले सबसे नया वीडियो यहीं प्राप्त करते रहिएगा। आपका साथियों इतनी देर हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने बालों की केयर करिए, बालों का ध्यान रखिए, बालों में डैंड्रफ ना जमा होने दीजिए, उसके भी बहुत सारे वीडियो अपने पोस्ट करें।